नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट भी। आज हम नेत्रों की बात करेंगे, इन आँखों की, है ना। अभी जो समय चल रहा है ना, जैसे अभी हम कोविड जैसी महामारी से निकले हैं, इस समय नेत्रों की भी अलग ही महामारी चल रही है। आँखों में एक तो ये वाइट लाइट, जो सब जगह आजकल वाइट लाइट हो गई है, चाहे ट्यूबलाइट हो, वैसे भी वाइट लाइट है ना। पहले समय में दिया होता था, रात में अपने आप ही नींद आ जाती थी लोगों को। अब ये वाइट लाइट जिसमें एक ऐसी ब्लू रे है जो आपको जगा के रखती है ना, आपके पिनीलियल ग्लैंड पर असर डालती है, वो एक बात। दूसरा, आज छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लगाना पड़ रहा है ना, आँखों में पानी आता है, आँखें सूख गई हैं एसी डायरेक्ट आँखों पर लगने की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। इन सब का कोई अब ऐसे नहीं बोल सकते कि एकदम बदल जाए, पर हम क्या कर सकते हैं कि कुछ व्यायाम करें कि आँखें जो सामने से आ रहा है उसको झेल पाएं, झेलने की ताकत आ जाए, है ना। चलिए, उसके लिए कुछ नेत्रों को लेकर, आँखों की कुछ प्रैक्टिस करते हैं आज। देखते हैं कैसे हम आँखों को ठीक रख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले आँखों को विदाउट मूविंग द हेड, गर्दन ना मूव करते, सिर्फ आँखें राइट और लेफ्ट जाएं, और जब भी साइड में जाएं तो पूरा एज तक देखना है, बड़ी बड़ी आँखें करके, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। अभी सामने देख रहे हैं, कमर सीधी है। नाउ लुक टू योर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। आंखें एकदम बड़ी हो, एकदम एज तक, पूरा पीछे तक देखते रहें। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। और फिर आंखें बंद कर हथेलियों को इस प्रकार रखना है कि वो छुए नहीं आंखों को, बस एक कप के जैसा बना के, है ना। थोड़ी देर रखकर कंधों को रिलैक्स रखते, फिर कोमलता से पलके झपकाते वापस आए। ये हो गया एक राउंड। दूसरे राउंड में आंखें ऊपर जाएंगी तो ऊपर अपने आईब्राउज दिखें, नीचे जाएं तो, अगर आदमी हो तो मूंछ दिखें, औरत हो तो लिप्स दिखें, इतना पूरा ऊपर से नीचे तक, है ना। चलिए ऊपर नीचे करेंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। और इसके बाद आंखें बंद करके, अब पहले हमने कप बनाया था, अब प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, आंखों के ऊपर प्रेस एंड रिलीज करते रहें, एकदम वैक्यूम जैसा आँख के आसपास बनने लगे, तो ऊपर से भी आप मसल्स को ताकत दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और इस प्रकार फिर पलके झपकाते वापस आ जाए। ये हो गया दूसरा अभ्यास। तीसरे में चक्र बनेगा, कैसे, अप यू लुक अप, देन यू गो टू द राइट, डाउन, लेफ्ट एंड अप, पूरा एक एक मसल को एक्टिवेट कर दें, उनको चलाएं, पूरा चलाएं सर्कल, और जब ऊपर पहुंचकर फिर दूसरी तरफ से उल्टा घुमाएं, अप लेफ्ट डाउन एंड राइट। एक भ्रामरी के समान, जैसे म का रहा होता है, हाथों को आंखों पे रखकर पहले रब कर लें, हाथों को आंखों पे रखकर और म का रहा चैंट करेंगे, उससे आंखों को भी देखिए किस प्रकार से वाइब्रेशन फील कर पाएंगे। और बहुत ही सहजता से हथेलियों को देखते हुए वापस आए। ये बहुत सिंपल तीन तरीकों से आप इसको रोज करेंगे तो आपकी आंखों की ताकत बनी रहेगी। ये तीन की प्रैक्टिस। अगला इसी से सिमिलर है, सीधे हाथ के अंगूठे को यूज करते हुए हाथों को सामने ले गए, राइट हैंड को सामने ले गए, अंगूठे के नाखून को देख रहे हैं, एंड गेज एट योर थंब, गेज करते रहें नाखून के ऊपर, एकदम एज पर देखते रहें। अब धीरे धीरे बिना पलकों को झपके हाथ को धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, अभी भी देखते रहें, कोशिश करें कि पलके ना झपके, एंड टच योर नोज, ध्यान अभी भी अंगूठे पर, नाखून पर,
स्क्विल्ट हो जाएंगी आंखें, पर ठीक है। फिर धीरे 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 दूर ले जाएं, और जब पूरा अंगूठा बाहर जाता है चला जाए, अब इन्फिनिटी, अंगूठे को ना छोड़कर आगे किसी चीज़ को देखें, एज तक, एंड तक जो भी दिख रहा है उसको देखें। फिर वापस अंगूठे को देखेंगे, फिर धीरे 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 अंगूठे को नाक के पास लाएं, एकदम नाक को छुआ दें, फिर से धीरे 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 पूरा दूर ले गए। देन अगेन अपना विजन चेंज करेंगे, दूर देखें, एज फार एज यू कैन, लंबा देखेंगे। और फिर इस प्रकार से 5 से 10 का राउंड इसका भी करेंगे, तो ये आपको आपकी फार साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस दोनों के लिए बढ़िया काम करेगा, है ना। अच्छा, एक और अभ्यास, आँखों को एकदम छोटा कर लेंगे, एकदम छोटा, एकदम जैसे कि बिल्कुल दिख ना पाए, है ना। और फिर एकदम बड़ी बड़ी आँखें, एकदम छोटा, विजन एकदम कम हो जाए, हल्का हल्का दिखे, फिर एकदम बड़ी बड़ी आँखें, एकदम छोटा। भरतनाट्यम जैसे नृत्य में इन सब आंखों का बड़ा काम है। और फाइनली एंड रिलैक्स, बहुत अच्छा। ये कुछ बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, है ना। और अच्छा, क्या करेंगे दिन में कम से कम, अगर जिनको आंखों की तकलीफ रहती है और जिसकी वजह से उनका कई बार सरदर्द भी हो जाता है, माइग्रेन तक होने लगता है लोगों को, तो क्या करेंगे, ठंडा पानी या नॉर्मल पानी लेकर आंखों पर पानी लगाएं। सुबह दिन शुरू करेंगे तब होगा, है ना। और जैसे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, हर 45 मिनट में एक ब्रेक लें, आंखों पर थोड़ा सा पानी डालें, वापस आ जाएं, डू योर जॉब, नो प्रॉब्लम। और बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि हर 20 मिनट में जब आप काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, 20 मिनट में हो गया, इधर उधर देखें, है ना, दूर देखें थोड़ा, अगर सामने खिड़की है तो बहुत अच्छी बात है, बाहर देखें और फिर वापस अपने लैपटॉप पर आएं। ये करीब 20 सेकंड भी कर लिया तो आपकी आंखें बच जाएंगी। बहुत छोटे अभ्यास हैं, आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बस ध्यान देने की बात है। ये आँखें आपको 100 साल के लिए मिली हैं कि 100 साल तक इनका कुछ ना बिगड़े, और अगर हम 3 साल पर ही इनको ख़राब कर लेते हैं तो सोचो कितनी जल्दी हम एक्सपोज हो रहे हैं ये स्क्रीन पर। स्क्रीन से बचें अगर संभव है तो। चल, आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी नए प्रकार के योग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हरिओम तत्सत।